या फिर एक चीज बताना चाहता हूँ, जो पहले वाले गीजर आते थे वहां पे ऐसे नब नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता था वो सेट होके आता था, जो कि 60 डिग्री सेल्सियस में सेट होके आता था, तो पानी 60 डिग्री तक गर्म हो जाता था। ओके, लेकिन अभी के जो गीजर से उसमें आपको एक नॉब मिल जाता है। नॉब आपको दिखाई दे रहा है, इसको वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोलर बोलते हैं इसको, क्योंकि आप इसको 40 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आप 40 डिग्री में सेट करोगे तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा और आपका जो बिजली का कंजम्पशन है वो भी कम होगा। यदि आप इसको हाई, यहाँ पे जो रेड वाला है इस लाइन पे आप सेट करते हो इसको, तो 80 डिग्री तक चला जाता है। तो पानी को 80 डिग्री तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो बिजली का कंजम्पशन है वो भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको 40 में रखना है, 50 में रखना है, 60 में रखना है, 70 या 80 में रखना है। तो मैं प्रिफर करूंगा कि सभी अपने गीजर को 60 डिग्री तक ही रखें, ताकि पानी थोड़ा जल्दी गर्म हो जाए और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी थोड़ा कम हो।